जय जगन्नाथ। नित्य वैकुंठनाथ महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर श्रीचरणारविंदरे ए दासर अनंत कोटि प्रणिपात। भक्तबंधु आपण मानंकु ओडिसार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत रथखळार एही स्वतंत्र अध्याय को अनेक अनेक स्वागत। प्रत्येक थर परि रथखळा संपर्क में किछि नुआ कथा कहिबा निमंते आम सहित रहिचंदी पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा महोदय। आपण आम कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु, आपण विगत अध्याय रे महाप्रभु रथखळार सेवा संपादन करुवा भिन्न भिन्न सेवक मानकर संपर्क में अनेक तथ्य एवं तत्व को श्रवण करिसेंती। महाप्रभुंग रथखळार क्यों दिन क्यों कार्य संपादन हब तार एक स्वतंत्र व्यवस्था रही है। वर्तमान समय रे वैज्ञानिक विचारधारा को पाथेय करी जो स्वतंत्र वर्क कल्चर बोली जहाँ को आम कहूचे प्रत्येक दिन काम को आदाय करवा। आज यही काम हब, काली सही काम हब, हेले ही आम ठीक समय लक्ष्यस्थल पहुँची पारिबा। ए कथा ए मैनेजमेंट रे जो अद्भुत कौशल रही हजार वर्ष आगरो आम महाप्रभु रथखळार देखा मिली थाए। केउ दिन केउ कर्म केउ ढंगरे संपादित हेले आषाढ़स्य शीते पक्षे द्वितीया पुष्य संयुते चराचर हितार्थाय घोष यात्रा विधीयते। महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रे नुआ रथरे बसी दांड को बाहरिवे। आ दांडुआ ओडियाए महाप्रभु को देखी लुह छल छल हेबे, कंठ कोहग्रस्त हेबे। तेणु ये समस्त क्रिया सुचारू ढंगरे संपादित हेबा निमंते कि स्वतंत्र तिथि को स्थिरीकरण करा जायछि। दर्शक बंधु, आमे साधारणतः भावु जे महाप्रभु रथ निर्माण रथानुकूल बैशाख शुक्ल तृतीय आरंभ होता है, किंतु प्रकृत पक्षे यार अनेक दिन पूर्व महाप्रभु रथ निर्माण निमंते प्रस्तुति शुभारंभ होता है। प्रथमतः दशहरा ठारू माघ शुक्ल पंचमी मध्य जेकोसी दिन एक स्वतंत्र शुभ बेला देखी जे रथ अमीन एवं भोई सरदार रही श्रीमंदिर प्रशासन सहायत नयागढ़ वनखंड रे थिबा माँ भगवती बड़ राउल ठाकुर निकट यात्रा करी थांती। माँ को महाप्रभु आज्ञामाल दियंती, हे भगवती तमे मोर निर्देश रे मोर नूतन रथ निर्माण करने निमंते काठ चयन कर। से काष्ठ चयन करी थांती। एहा परे क्यों क्यों स्वतंत्र तिथि सहित रथकला संपृक्त श्री त्रिपाठी शर्मा महोदय। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर प्रत्येक नास्ति वेदात परम शास्त्रम नास्ति मातु समूह गुरु आमर वास्तव्य आप्त वाक्य एथिपाई कह जाइए। प्रत्येक कार्यर आरंभ जदि माँ को स्मरण करा जाए ताले सिद्धि हम। से बोध हुए पूर्व श्री माने रथर प्रथम पर्व जिते आरंभ हुए से माँ भगवती बड़ राउल ठारू आरंभ करी थांती ठाकुरानी ठारू एवं भोई सरदार सहित रथ अमीन एवं श्रीमंदिर प्रशासनिक बहुत व्यवस्था अधिकारी एमाने स्वतंत्र भाव रे महाप्रभुंकर साड़ी महाप्रसाद माल ये सबू नहीं से पूजा अर्चना स्वतंत्र भाव रे करा जाए। करागला पर यही होचंती प्रत्येक वर्ष रथर प्रथम पर्व जो पर्वरु आरंभ हो सब गछगुड़िक चिह्नट हुए। तेणु कौ गछटा कौपाई हम कारण बेले बेले सबू जंगल में प्रत्येक वृक्ष मिले ना से जेहेतु अन्यतर जदि दसपला जंगल में कौन वृक्षर होती देखागला आज अभाव होती रणपुर जंगल देखा जाए। रणपुर जंगल में जदि तार व्यवस्था भितर आउ कि आवश्यक है बौद्ध पर्यंत जापारती अच्छी तेणु बौद्ध जंगल आसे। तेणु विशेष भाव में जेहेतु होती तत्कालीन समय रे ये सब पुरुषोत्तम क्षेत्र अंतर प्रदेश मध्य नयागढ़ वनखंड अभिभक्त जहाँ आम होचे नयागढ़ जिला कौचे। तेणु से दृष्टि महाप्रभुंर से कार्य आरंभ हो भेड़ा साहय कारण एवं जो व्यवस्था होती पूर्व काल यार अलग व्यवस्था थी जहाँ महानदी में स्वतंत्र भाव में रथ काठ कटाई शुद्धपूत भाव में भेड़ा प्रस्तुत होता से भेड़ार बंधाई स्वतंत्र होती रथ काठ आसव जहाँकि भार्गवी नदी नहीं दे स्वतंत्र भाव में ना रही काठ पोल कारण पुरी गला बेलू आम देखुचे जे काठ पोल बोल कि गोटे स्थान ना रही गोटे ब्रिज अच्छी चंदनपुर। तेणु से आसिक काठ लगे आमर सब सगड़ मान होती थाए मठ मानकर एमार मठ बड़उड़िया मठ हूँ ये जो हूँ पारंपरिक सब राघव दास मठ ये सब मठर सगड़ द्वारा स्वतंत्र होती रथ काठ बुहाए एवं आउरी किसी होती जहाँकि जो काठगुड़िक सुविधा है ताकू सांगी नियंती जो गुड़िक होती न जापे ताकू सब सगड़ लगिकी से बुहाए जहाँ एवं से सब परिवर्तन होगला एवं तार परिवर्तन घटी वर्तमान होती जहाँ जिला प्रशासन एवं आम श्रीमंदिर प्रशासन तत्वावधान में एवं काठ जाई श्रीपंचमी पूर्व पहुँचुंट जार नाम होची काठ अनुकूल रथ काठटी अनुकूल हुए श्रीपंचमी रे सुंदर भाव में तीनोटी काठ को अनुकूल कराए काठ अनुकूल से श्रीपंचमी टी है आमर काठ अनुकूल कारण भगवान होती श्री लगिकी थाए सी होती देवी गोटे होती दिवस तेणु वास्तव ज्ञान रे जगन्नाथ महाप्रभुर पर्व गुड़ाक जो मैंने होती सब सृष्टि करा भागवत लिखाई एवं होती स्कंदपुराण लिखाई सब यात्रा विषय में विविध गदाधर पद्धति ठारू आरंभ करी पंडित सर्वस्व इत्यादि आमर जो ग्रंथ सबू अच्छा भितर विशद भाव में वर्णना होती से विधि विधान अनुसार काठ अनुकूलटी कराए एवं ये है प्रथम पर्व सेपटे रथ खलारे काठ पहुँची रथ निर्माण शुभारंभ होती आसतु जी रथ खला को बुली आसवा और सेवक मुहर शुणा आम महाप्रभु रथ केते बाटे पहुँचले आमर जो अक्षय तृतीया ठार अनुकूल होदिन तापर आमर तुम्भ कार्य प्रथम तुम्भ कार्य कलापर आत अक्षय तृतीया 7 दिन में आम सूता मरा कम अनुष्ठित हुए जहाँकि गोटे तुम्भर 16 जोड़ा बिंद हम से सूता मराए से सैज कर मटाम कर 16 जोड़ा बिंद सूता मरा गले आमर से दिन टू बिंद अनुकूल हम 7 दिन भितर आपर प्रथम चक तापर आमर अख अख भी सूता मरा हम सूता मरा हो सी भी गोले हम गोले तापर आसीज आमर आमर जो आम नृसिंह चतुर्दशी सेटा आमर प्रथम गुज जो कणगुज सब से कणगुज गुड़ाक सूता मरा हम सूता मरा साइज कले से दिन तक गोटे अनुकूल अच्छी रूपकार सेवायत मानकर से मैंने नृसिंह मूर्ति चित्र करेंगे प्रथम आम सूता मारी काठटा को साइज कर देलापर से कार्य आरंभ करेंगे से दिन ठार आमर जतक रथर लंबा काठ आना हो सबुतिर सूता मरा कम रही बिना सूतार कौन से काठ साइज हो पार ना यू कम आमर द्वारा होता है आगू भी मूलर चूल पर्यंत सबुतिर सूता मरा कार्य रही जहाँकि तुम्ब मान अक्षय जो तुम्ब कम आरंभ हम से तुम्ब ठार लास्ट कलश कलश पिंडी गोटे तुम्ब अच्छी जोड़े तुम्ब से तुम्बे शेष है यहीपर भाव आम सब सूतामरा कम रही जय जगन्नाथ आमर अक्षय तृतीया प्रथम अनुकूल करूँ नृसिंह चतुर्थी आम गोटे आउ थे अनुकूल हुए से अनुकूल ठूँ आम 16टी रथ रथर कणभुज थाए से 16टी कणभुज सिंगर आकृति में आंकन हुए तापर ताकू खोली ताकू आम रूप दे था तापर आसी जाए अशुआरी पट्टाभुज पट्टाभुज रही है पट्टाभुज 12टी रही है पट्टाभुज सिंह विड़ाल नर विड़ाल आ सिंह हाथी विड़ाल होता है सेतक सरलापर हुए पट्टाभुज पट्टाभुज हुए कंदर पर गोटे मूर्ति सेटा दुआरबड़े जोड़े गोड़ विड़ा जोड़े थी आम नाट गोड़ कही था से नाट गोड़े कंदरपर गोटे बात छुरी आ धनुषर धरी थाए तापर आसी जाए सिंहासन सिंहासन हुए सिंहासन पद्म पाकुड़ा डाली हंस हाथी आम कि डिजाइन करके सिंहासन जमी सुंदर महापुरुष आम केमती भल कर चिंताधारा देकी आम से तापर आसीजो पर्वा पर्वे पर्वे आसी जाए सिंह माने दी हाथ छुरी धरिकी राहु मूर्ति चित्र हुए दीपटे डाली रुए जोड़े मगर रुए मझीरे चित्रकार मैंने रूप दे था आम ब्रह्मा आम जगन्नाथ ब्रह्मा इंद्र रही था पद्म चक्र पद्म होता है आमती किसी कम हो सुंदर देखा जाए एन बर्तमान कणभुज सरिया पाखे आउ जोड़े 3टा पर आम सरीज यापर नाटगड़ पड़ज माघ शुक्ल पंचमी दिन महाप्रभु जगन्नाथ भुवन प्रसिद्ध घोष यात्रा निमंते काठ अनुकूल होता है यापर चैत्र शुक्ल नवमी जहाँ को राम नवमी बोलिकी नामित करुचे से दिन खपुरिया ठारे कटकर खपुरिया ठारे काठर चिरोट होता है अर्थात आगुरी जो भेड़ारे काठ भासिकी आसूला ताकू श्रीक्षेत्र चिरोट करा जाउथिला किंतु वर्तमान सुविधा दृष्टि से समस्त बृहदाकाय काठ गुड़ी खपुरिया ठारे ताकू काठ चिरट करा जाउची एवं सेठारे मध्य महाप्रभुंकर माळ महार्द पहुंची अनुकूल हवार व्यवस्था रही कारण महाप्रभु निर्देश रे तांकर महाप्रसाद तांकर माळचूड़ आदि लागी होई गले ए प्रकार भाव देखा मिले। सत्यवा जगन्नाथ आसीगले जच्च कटक ताहा काठ चिरट होचंती किनु भाव रही ना 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 एठी मणिमा आसीचंती ए माळ महार्द रूपरे एवं तापरे वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया दिन रथानुकूल होती तापरे भिन्न भिन्न पर्याय रे रथर गोटे गोटे पार्श्व गोटे गोटे अंग उपांग निर्माण होता पंडित त्रिपाठी शर्मा महोदय तापर कौन होता है निश्चित भाव में महाप्रभुंर जेहेतु रथ अनुकूलटी हो जाती ठीक अक्षय तृतीया दिन से कहे प्रथम तुम्भ काम आरंभ है तुम्भ पर तुम्भ दिए अर जोड़ा है अर जोड़ा है नृसिंह चतुर्दशी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी जहाँ नृसिंह चतुर्दशी तेणु नृसिंह चतुर्दशी रे सिंगड़ा बाड़िया है जो आम अनुकूल हाँ रथ भोई मान द्वारा जनता गाड़ प्रस्तुत से दिन जनता गाड़ खोला है जनता गाड़ टे अनुकूल होकर केवल छुआई दि जाए कारण आउ बाड़िया कार्य भी हो पार न था केवल अनुकूल है एवं एपाखे गुज अनुकूल भी है नृसिंह चतुर्दशी रे रूपकार मान द्वारा जहाँकि गुज अनुकूल कराए से पाखे होती महाप्रभुंर जनता गाड़ होती रथ भोई मान खोली था एवं जनता गाड़ खोली तापर आउ दु खंड आड़ भाग में काठ दे जमी महाप्रभुंर सुंदर भाव में पही सहित अर को जोड़ा तेणु पही सहित जो अर जोड़ाए से जनता गाड़ काम से नृसिंह चतुर्दशी होता है कारण नृसिंह चतुर्दशी टी होती प्रख्यात पर्व केवल ये आम होती व्यतिक्रम महाअणसर यार टे व्यतिक्रम है कारण महाअणसर जो वर्ष पड़ो नवकलेवर समय नवकलेवर समय से श्रीराम नवमी ठारू पुणी बनजाग विधि स्वतंत्र रही जाए तेणु से पर्वटी स्वतंत्र हो जाए जेहेतु पारंपरिक प्रत्येक वर्ष आउ से कार्य न थाए तेणु से होती आउ श्रीराम नवमी ठारू बनजाग पद्धतिटा कटि जाए जहाँकि देढ़मास नवकलेवर स्वतंत्र जहाँकि रही नवकलेवर समय महाअणसर देढ़मास हुए से एवं ता पूर्व दारूर अनुसंधान ठारू और दारू पहुँचवा पर्यंत जो कार्य सेटा प्रत्येक वर्ष न था तेणु से दृष्टि नृसिंह चतुर्दशी की नृसिंहर प्रख्यात दिवस होती पालन कराई तार परवर्ती पर्यायटी होती भौरी यात्रा श्रीक्षेत्र में भौरी एवं जगन्नाथ महाप्रभु मझे मझे आसिक देखती जे मो कार्य केत बाट गला ये हूँ तार गोटे महानता कारण प्रभुंर आज्ञामाल आसिले ये होती स्वतंत्र भाव में रथ अनुकूल है निरीक्षण करते एवं भौरी दिन दीटा लाखे चक जो डेरा हुए महाप्रभुंर से चक डेरा है बेलू को महाप्रभुंर होती आज्ञामाल आसे कारण आज्ञामाल आसिले जान होती तेयार आरंभ हम ठिया हे कारण पाद सी तेणु रथर पाद ठिया है तेणु रथर जिते पाद ठिया हम भुवन मोहन रथ यात्रा हम आग को सीटी महाप्रभु न आसिक रहीपर ना तेणु मदन मोहन रामकृष्ण मदन मोहन ठारू आरंभ कर पंच पांडव पर्यंत से उपस्थिति जितेबाला हुए से समय चक डेरा नीति अनुष्ठित होता ये गोटे प्रख्यात पर्व महाप्रभुंर भौरी दिन होता है। निश्चित भाव में भौरी दिन महाप्रभुंर चक डेरा नीति अनुष्ठित हम भोई सेवक मान द्वारा दुईटी रथ चक सहित अख को संयोजित कर अर्थात से दिन ठारू महाप्रभुंको जान दांड को आसिले बोली भाव देखा मिलता है। आसतु रथ खला को बुली जावा और शुणा सेवकंर भाव को आमे हेलु श्री जगन्नाथंकर चित्रकार सेवायत आमे रथरे सबु चित्र काम कर स्नान पूर्णिमी परठू रथर दंडा चक्र याकू रंग करने सहित पार्श्वदेवता सखी एमानकर मध्य रंग करथाउ तापरे घोड़ा एवं सारथी आंकर मध्य रंग करथाउ एवं रथर हंसपट्टी प्रभा एगुड़ाक मध्य आमे करथाउ पाराभाड़ी लागिया पूर्वरु पाराभाड़ी पारा चित्र करूँ एवं ऋषिपटा मानकर मध्य चित्र करूँ कलशर मध्य चित्र करूँ सुआर मध्य चित्र करूँ यही सब चित्रक्रम आमे स्नान पूर्णमी परठारू नवजौवन दर्शन भितर ये सब काम निश्चित भाव में सरीता है एवं यही काम कला बेले आमको लगे आमे जमती 33 कोटी देवता सहित देवलोक रहीचु देवतांकर सेवा करतु सेते बेले आमर शरीर भाव रहे नहीं कि आमको गरम हुए नहीं, प्रबल गरम बाहर अथच आमको गरम हुए नहीं, आमको लगे जमती मलय पवन आम देहरे बाजुची एवं सब देवदासी मैंने आम सांगे कथबार्ता हुंती मुझे निजे अनुभव करती जदि भूल आम कार कौन रंग छाड़ी जाऊ सी कहीदि मोर टे शाढ़ी छिट पकई दे था आम से छिट पकई दू से मन हुए यही मैंने आमर पुओ झील यही मैंने 33 कोटी देवता यही मैंने सारा संसार आउ ये पूरी पूरी तो नित्य रास चली थाए आमर विशेष अनुभव होची यही देवदेवी मानक संगे प्रति देखु प्रति रथरे 10 जन लेखे सखी था 3 रथरे 10 3 30 सखी 9 लेखे 11 पार्श्व देवता था 11 3 33 पार्श्व देवता जे कि 33 कोटी देवता प्रतिनिधि सी है 33 जन तेणु ये सहित एमाने आमको खूब जीवंत लगती आउ से आमर शरीर भाव जमा रहे नहीं कि आमको भोक हुए शोष हुए सेत लगे आम परिवार दायित्व श्री जगन्नाथ नहीं आम दायित्व रचु श्रीक्षेत्र भौरी दिन अर्थात जो दिन महाप्रभुंर बाहर चंदन जात्रार 300तम दिवस 20 दिन दिन महाप्रभुंर चकडडेरा नीति अनुष्ठित होता है और यापर ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष षष्ठी जहाँ को शीतल षष्ठी बोली नामित करा जाई थाए। ए प्रकार भाव देखा मिले शीतल षष्ठी सुधा 3 रथर 42 चक निर्माण संपूर्ण होइथिबो एवं ए दिन जगन्नाथ आसबेनी पंच महादेव देखिए आसबे तांकर लीला संगींकर तांकर प्राणवल्लभंकर तांकर जगन्नाथंकर रथ निर्माण केते बाट गला। दर्शक बंधु केवे समय हेले से दृश्य को देखिया पई जिवे जनता गाड़ रे भोई सेवकंग द्वारा देवी रथर 12टी चक को सुंदर ढंग रे छंदायत कर रखा जाई थाए एवं सेठी पंच महादेव निज पार्वती को धारण कर विजय होता सेठी भोई सेवक मान तरफ स्वतंत्र पंथी भोग होता है रथ खोलारे। ए प्रकार विधान रही शीतल षष्ठी दिन। शीतल षष्ठी दिन पंच महादेव स्व पार्वती को धारण कर पंथी ग्रहण करती देवी रथर चक को एमती छंदायत रखाई थाए। से दृश्य को देखला वाला ही सीना अनुभव करें गिरा अनयन नयन बिनुवानी बाणी विलास कर क्षमता क्या निकटरे मध्य नहीं। एहापरे ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन जो दिन जगन्नाथंकर जन्मदिन देवस्नान उत्सव स्नान पूर्णिमा से दिन महाप्रभुंकर 4 नाहका उठिब कौन से नीति अनुष्ठित होता है। निश्चित भाव में महाप्रभुंकर जेहेतु आविर्भाव जगन्नाथम नीलाद्रि कंदरालये अक्षरम ब्रह्म रूपाय सच्चिदानंद रूपिणे ये इंद्र नीलमणि पुराणर कथा कारण आविर्भाव महाप्रभु जितेबले से होती अकार नेत्र जुग्मश्च उकार धराश्रुतौ इंद्रनीलमणि पुराण कहले महाप्रभुंकर खाली अटीए लिखिदेले जगन्नाथ बोली चिन्हित हो जाए। ये ओडियार प्रथम अक्षर रहा अ अक्षर तेणु जेते विद्या पर्यंत आम अतिक्रम कले अकार नेत्र जुग्मश्च जगन्नाथ आखि न पड़े केबे काहकु विद्या प्राप्ति है ना तेणु सबुतक चक जिते आखि स्वरूप डेरा ही जाए कारण चक भी सीठी महाप्रभुंकर होती अष्ट सिद्धि जहाँ को 16 सिद्धि भाव में कह जाए। महाप्रभुंकर तार मध्य स्वतंत्र भाव में कहीं केते चक अच्छी तार मध्य प्रामाणिक तथ्य से विस्तृत भाव में कह जाइए। तेज जाऊ महाप्रभुंकर से जो चकटा संपूर्ण डेरा ही जाता है नाहका। नाहका कहले होती संसार को रक्षा करने ये आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु ये शरीरटा जेमिति रथटा होउची सेमिति तेनु महाप्रभुंकर ये होउचंदी गोटे विराट यज्ञ महोत्सव कारण ये जो रथयात्राटी ये पावन भूमि रे गोटे विराट यज्ञ महोत्सव यज्ञर पूर्णांग होबा पर्यंत कारण महावेदी यात्रा ना महाप्रभु महावेदी की यात्रा करिवे से दृष्टि महाप्रभुंकर संपूर्ण भाव रे वैदिक विधान रे से पाखरे कालिया शांतंकर स्नान को लेकर यात्रा अनुष्ठित ए पाखरे 4टा जाक वेद स्वरूप रथर यंत्र प्रकटित होता कारण से 4 ना 4 नाहका को 4 वेद भी कह जाए रथर एवं ता ऊपर 14 नाहका उठे तेणु ये होती तार रथ यंत्र जो व्यवस्था से अनुसार महाप्रभुंकर प्रख्यात ये पर्व को आम भाया मूर्ख कौन बा होची आलोचना करिवो तेणु आमे कहते केवल महाप्रभुंर लीला को दर्शन कले मुक्तिदम साक्षात निश्चित एतर सन्देह ना। ये जो कार्य को जो मैंने दर्शन करती आज आम आलोचना करुचे प्रार्थना टीवी चैनल मध्यम महाप्रभुंर ये कार्य को जी दर्शन करेंगे तांकर मध्य पुण्य हुए एतर सन्देह ना। सेपटे महाप्रभुंर स्नान पूर्णिमा दिन रथत्रयर चारि नाहका उठिबा परे 14 नाहका एवं तापरे प्रथम भूई द्वितीय भूई पोटल पाराभाड़ी भिन्न भिन्न अंश संयोजित होई रथटी संपूर्ण भाव निर्माण होता है। नेत्रोत्सव पूर्व दिन सेपटे महाप्रभुंर ज्वर लाघव होता है। शांते ज्वर सुस्थ होता आज्ञामाण प्रदान करती मो गाड़ी तैयारी हो गला मु बाहर को बाहर भी मूर्छे लोड़ा एड़ा नीलाचल लीला इच्छित पामर संसर्ग खरा वर सारे धरा रही बारे दांडे भरा भर सराग ग्रंथकर्तार उधार से दया सकट चकाचक्षु चक दंडा बाहु लोक धरी प्रकटांति धपट ग्रंथकर्तार उधार से दया सकट प्रबंध पूर्णचंद्रकार उत्कल घंट जदुमणिंकर भावानुसारे साक्षात जगन्नाथे श्रीदेवी और भूदेवी छाड़ी इच्छित पामर संसर्ग पतित मानंकर म्लेच्छ मानंकर जवन मानंकर साधारण भक्तंकर संग को इच्छा करी श्रीदेवी आ भूदेवी को बड़ देवल में छाड़ी रत्न सिंहासन को छाड़ी दांड को बाहरिवे और निजे महाप्रभु नेत्र उत्सव दिन भक्त मान को निज चका नेत्र दर्शन सुख प्रदान करी आज्ञामाल दियंती मो रथ को आणरे मोर सिंह द्वार सम्मुख को। दर्शक बंधु श्रीक्षेत्र रे ए प्रकार शब्द देखा मिले तीन गोटी खड़ा शब्द प्रचलन रही जदिच यार कौन शास्त्रीय मत आधार नहीं लौकिक मतरे तीन गोटी खड़ा शब्द प्रयोग होता है। जोठारे महाप्रभु रथ निर्माण हुए ता रथ खड़ा सिंहद्वार सम्मुखरे जोठा को रथत्रय विजय हुंती ता महाखड़ा एवं महाखड़ा एवं सिंहद्वार मध्यवर्ती स्थान ता हूँ उभा खड़ा अर्थात नेत्र उच्च मंदिर जगन्नाथ आज्ञामाल दियंती रथ सिंहद्वार सम्मुखस्थ महाखड़ा को आसती एवं तापर महाप्रभु उभा खड़ा दे दांड को जाती रथरे विजय होई महाविधि यात्रा करती। एक क्रम भिन्न भिन्न तिथि अनुसारे महाप्रभु रथ निर्माण होता है। पंडित त्रिपाठी शर्मा महोदय एतद् भिन्न जितेबाला रथ यात्रा पर्व समापन होता है रथ को मध्य भंगा जाता है ताकि स्वतंत्र तिथि रही कि रथ यात्रा पर महाप्रभुंर जितेबाला रथ भंगा नीति अनुष्ठित हुए ये भंगा नीतिटी हूँ भोई सरदार द्वारा कराए एवं से रथर चारोटी चार हूँ प्राप्य भाव में रही भोई मान जे सरदार से चारोटी की नियंती एवं अन्यान्य पाहुना श्रीमंदिर तरफ रखा जातर जितेबाला त्रयोदशी जहाँकि द्वादशी नीलाद्रि विजय होती आमर विधि जोटा कि महाप्रभुंर आषाढ़ शुक्ल द्वादशी एवं त्रयोदशी सुधा यात्रा सरी जाए तार मासे भितर निश्चित रथ भंगा हे तेणु शुभ दिन देखि से भांगी था तेणु से मासे भितर आस्ते आस्ते होती रथ को भंगा जाए संपूर्ण भाव में तार जार विधि विधान अनुसार जी जहाँ पाहुना ता भर ने महाप्रभुंर ये कार्य बढ़ी था कारण समापन कहले भूल हो जगन्नाथ महाप्रभुंर प्रत्येक कार्य बढ़ी थाए थरेनी किसी निश्चित भाव में आश्विन शुक्ल दशमी ठार शुभारंभ होता महाप्रभु रथ यात्रार प्रस्तुति अंत होता है बढ़ी थाए जेणु ओडियार किसी सरेनी महाप्रभु रथ बढ़ी थाए चितालागी अमावास्या पर एक क्रम में शांति आउ थे वार्ता दियंती दांड को बाहर निमंते। दर्शक बंधु आपण महाप्रभु रथ खड़ा संपर्कित अनेक तथ्य एवं तत्व को श्रवण करी आनंद अनुभव करुचंती। देखा हब आगामी अध्याय रे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।